पुलिस को इस पूरे मामले में शक है कि आरोपी मनोज ने महिला के बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो कहीं पर फेंक दिए हैं। आप मेरे ठीक पीछे ये जो बिल्डिंग है यहीं पर ये कपल रहता था और जब नेबर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले तो नेबर्स मॉर्निंग वॉक पे सुबह सुबह जाया करता था लेकिन रविवार के बाद उन्होंने महिला को नहीं देखा। लेकिन जो आरोपी मनोज है वो सुबह रोज यहां से निकलता था और उसके हाथ में कुछ होता था, ऐसा पुलिस ने भी जताया है कि उनको शक है कि बॉडी पार्ट्स को फेंका करता था या कुत्ते को वो खिला देता था। मेरे ठीक पीछे यहां पर आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ी गटर है, ये जो आप साइड में रेलवे ट्रैक देख रहे हैं ये मीरा रोड और भायंदर के बीच का ये रेलवे ट्रैक है और उसके ठीक आप देख सकते हैं यहां से ये पूरी गटर जाती है। तो पुलिस और नेबर्स को ये शक है कि ये जो गटर है वहां पे कुछ बॉडी के पार्ट्स फेंके जाया करते थे और साथ ही यहाँ पे जो कुछ कुत्ते हैं उनको भी ये पूरे बॉडी पार्ट्स शायद वो खिलाता था, क्योंकि पुलिस को अभी भी उस महिला के जो पूरे बॉडी पार्ट्स है वो नहीं मिल गए हैं, इसलिए बाकी के जो बॉडी पार्ट्स है उसकी तलाश अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन वैभव कनकुटकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मीरा रोड आज तक।